तो अब जाके बारिश का आवाज थोड़ा कम हो गया है। रात भर इतनी तेज बारिश थी ना दोस्तों इस गेस्ट हाउस के बाहर। मैं सुबह से तैयार होके बैठा हूँ लेकिन अभी थोड़ी बारिश कम हो गई है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 16 सितंबर और हमारा 17वां दिन। वियतनाम से कल हम आए थे लाओस में। लाओस में हम ये जो जेथा माउक्स नाम की जगह है वहाँ पे हम रुके थे और वहीं पे मैंने गेस्ट हाउस लेके यहीं पे स्टे किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़। मैं कर रहा हूँ 6 देशों की साइकिल यात्रा, राइड फॉर पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। ये संकल्पना लेके अपनी 6 देशों की यात्रा चल रही है। कल वियतनाम का अभी दर्शन अपना होके अभी लाओस में है हम। आज हम लगभग 150 किलोमीटर साइकिल चलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से दूर है सवाना खेत, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, वहीं पे जाने का हम कोशिश करेंगे। रास्ते में कुछ अपने को स्कूल लगे या कुछ लोगों के समूह अपने को देखे तो उनको हम राइड फॉर पीस एंड यूनिटी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि मैं ये साइकिल यात्रा भारत से यहाँ क्यों कर रहा हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। और बारिश थोड़ी कम हो गई, तब तक जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। पूरा पैकअप कर लिया है साइकिल, क्योंकि बार बार मुझे ये निकालना पड़ता है बैक कवर और वो। तो रेनकोट भी मैंने यही रखा है क्योंकि अगर तेज बारिश आ जाए तो पटक से पहन सके। तो चलते हैं, बाय बाय करते हैं। ये लाइट बंद करने रह गई, बंद कर देते। तो ये रास्ता देख के आपको पता चल गया होगा कि यह बारिश कितनी आई थी रात को, और कब आ जाए और कब धूप निकल आए बता नहीं सकते इस लाओस के मौसम का। अभी भी काले बादल दिख रहे हैं। थोड़ा आगे आया तो याद आया यार पानी लेना ही भूल गया है, पानी नहीं था रात भर मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे एक मशीन दिखा मुझे, तो यहीं से अभी इस आंटी जी से पानी की बोतल भरवा रहा हूँ मैं। छोटी छोटी दुकानें रहती यार हाईवे पे इनकी, और ये बहुत सारे सामान ऐसे यहाँ बेचते। ये मैंने 2-3 जगह देखा है, ये क्या है ये नहीं मालूम यार। और ये चावल की कणी लग रही है। ये पहली बार मुझे इस हाईवे पे स्ट्रीट लाइट दिखाई दिए कहीं तो भी। हम जब से लावो बावो से निकले तब से ये एक ही हाईवे है पूरा सवाना खेत तक पश्चिम की ओर जाता हुआ। बहुत थकावट लग रही है यार, सिर्फ 12-13 किलोमीटर आया मैं और थकान लगने लगी क्योंकि क्योंकि कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। मतलब चाय कॉफ़ी कुछ लेना था मुझे, लेकिन वो फ्रिज में कॉफ़ी बना के रखते हैं वो मुझे दे रहे थे अभी पीछे में रुका, तो इसलिए नहीं लिया मैंने। ऐसा सोच रहा हूँ कि आगे जाके कुछ खा लूँ। 150 किलोमीटर लंबा सफर करने आज सवाना खेत तक। यहाँ पे ना हर गांव में लाउड स्पीकर लगाए हुए कल मैंने देखे, आज मैंने सुन रहा हूँ कि कुछ तो भी यहाँ चल रहा है। अब ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या लाओटियन लैंग्वेज है ये, लेकिन कुछ तो भी सुबह सुबह का सत्संग वगैरह चलता होगा इन लोगों का। ये है लाओस के प्रॉपर जंगल, ना एक भी गाड़ी दूर से आती हुई नज़र आ रही है ना पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा हुआ कल हम जेथा माउक्स में जो गांव था वहाँ रुक गए, क्योंकि आगे बहुत ही कम गांव लगे मुझे अब तक, और ये पूरा जंगल का एरिया ही है। मैं चलता ही जा रहा हूँ कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब मैं ना एक छोटा सा दुकान मिला है मुझे, यहाँ पे केला तो रखा है, बड़े बड़े केले तो है, लेकिन केला में कप हुआ था मैं मुझे उस दिन, इसलिए मैं केला नहीं लूँगा। मुझे बिस्कुट लेना है, मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे बिस्कुट है या नहीं है।
बिस्कुट है यहाँ पे। उसने सही, ये दो केक लिए हैं मैंने। ये क्या, ये भी केक है क्या? ये केक खाता हूँ अभी मैं। ये तीनों खा लेंगे तब थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। आंटी जी भी अपना चैनल यहाँ पे देख रही है लाओस में। ओके यहाँ पे अभी खा के हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो केक खा के भी अपना पेट नहीं भरा भाई, तो आगे आके गरम गरम यहाँ फिश बना रहे थे। ये देखिए, ये भी फिश हमने कल खाया था, लेकिन ये गरम गरम फिश था। ये देखिए, ये कौन सा फिश है पता नहीं मुझे, लेकिन खाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। हो गया नाश्ता और चल रहे हम अभी आगे की तरफ। मस्त मछली खाई, 15,000 बोले थे लेकिन 20,000 लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे नींबू टमाटर काट के दिया था, उसके उसका 5,000 लिया। और मस्त मछली लेती हूँ, मस्त मस्त एकदम मस्त। इसके साथ में गाना गा रहा हूँ कब से, तुम क्या मिले जाने जा प्यार जिंदगी से हो गया। चलते यार फिर बहुत। आके मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लाओ हंगेरी फ्रेंडशिप ब्रिज ऐसा क्यों लिखा है। एक्चुअली हंगेरी जो है वो यूरोप में पड़ता है, और ये हंगेरी नाम का गांव है क्या क्या फिर आगे, ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी रिवर में लाओस की ये देख रहा हूँ, जो जैंगजाई रिवर ऐसा नाम है, मैं नीचे लिख दूंगा। पहली सबसे बड़ी रिवर ये लगी यार, बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से वहाँ ऊपर की तरफ पहाड़ तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हो गए उधर और आगे वहाँ बारिश हुई होगी। और ये पानी देखिए आप, जैसे हम वियतनाम के हाईवे पे देखते रहे कि बहुत सुंदर कलाकृति वो बनाते हैं, वैसे ही लाओस के हाईवे पे भी हम ये देख सकते हैं। सवाना खेत अभी भी यहाँ से 70 किलोमीटर है। बी डोंगेन नाम का गांव लगेगा आगे, जो 4 किलोमीटर पे है, तो वही अभी हमारा दोपहर का खाना खाएंगे। बहुत ही थक गए हूँ दोस्तों, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्म इतना हो रहा है ना, कभी बारिश कभी धूप। और ये देखिए ये ट्रैक्टर यहाँ की, और मैं बता दूँ प्रॉपर बस सर्विस यहाँ की बिल्कुल नहीं चलती। मतलब अगर आपको वियतनाम में जो बस सर्विस हमने देखी ना, वैसी बस सर्विस यहाँ मुझे दिखाई नहीं दी। एक्चुअली वियतनाम की बस यहाँ चलती है, हुए से सवाना खेत की एक बस चलती है, एक शाम को एक सुबह। और लाओस की अगर बस की बात करो तो बस तो बिल्कुल मैंने अभी तक देखी नहीं लाओस की बस। वो छोटा टेम्पो रहता है, उसमें ही 10 सीटर की गाड़ी वो बनाते हैं, ऊपर सामान रखने को बहुत बड़ी ट्रॉली रखते हैं, और वही में वही बस की तरह वो चलते हैं। मैं दिखाऊंगा वो भी, चलते अभी बी डोंगेन। देर बाद कोई तो भी बड़ी सिटी लगी मुझे। बी डोंगेन नाम की ये सिटी है, पीछे बहुत बड़ी नदी है, उस नदी के ही किनारे पे है ये। लेकिन यहाँ प्रॉपर होटल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बस ऐसा ही ये नज़र आ रहा है। सुबह हमने मछली खाई थी, वैसे ही मछली यहाँ दिखाई दे रहे, और कल हमने खाया था वही। खाने का बहुत हाल है यार लाओस वियतनाम में, अगर घूमते ना हम तो सबसे बड़ा हाल जो रहता है वो खाने का ही रहता है। देखते हैं कुछ तो भी होटल खाते हैं। तो ऐसी गाड़ी रहती है यहाँ की बस, मतलब ऐसी इसी गाड़ी के ऊपर आप सामान रख सकते हो, दोनों तरफ सीट रखे हुए रहते हैं, और इसी गाड़ी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या अभी ये चिकन लिया है मैंने, ये अंडा लिया है, उनको मैंने गर्म करने को बोला है क्योंकि बहुत मक्खी उस पर बैठ रही थी। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ ये बी डोंगेन का। ये देखिए यहाँ पे ब्रेड वगैरह तो मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं,
लेकिन ये खाएंगे किसके साथ, हम चाय कॉफ़ी तो मिलती नहीं यहाँ पे, इसलिए ये एक मिलता है, देखिए ये एक मुरमुरा का पैकेट मिलता है ऐसा, मैंने खाया नहीं अभी तक। और अगर मैं फ्रूट्स में दिखाऊं तो ये देखिए ये यहाँ पे एप्पल्स है, एप्पल्स है, ये बेरीज है, ये है, अंजीर जैसा कुछ तो भी है ये, और ये एक फ्रूट है, ऐसा फ्रूट है। और ये मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है ये बी डोंगेन का, अंदर जाऊँ तो अंदर और भी बड़ा मार्केट है यहाँ पे जो माल लाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ये देखिए ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो इस प्रकार है, अभी उधर खाना अपना गर्म करने को बोला है उनको मैंने, यहाँ बैठूँगा मैं क्योंकि वहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, और चलेंगे फिर आगे की तरफ। तो खाना हो गया अपना, क्या इतना मुझे खास नहीं लगा यार खाना खा के, थोड़ी थकावट सी अभी भी लग रही है मुझे। ये देखिए ये मार्केट देख रहे हैं आप बी डोंगेन का, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र है, बड़े बड़े मार्केट है, बड़ी बड़ी शॉप्स यहाँ पे नज़र आ रही है। डोंगेन से आगे अभी लगभग 70 किलोमीटर की जर्नी है अपनी सवाना खेत की, बारिश भी बहुत भर के आई है, तो बारिश की वजह से सफ़र अपना रुक गया है दोस्तों। यहाँ पे बारिश देखे कितनी तेज़ आ गई है अभी, वेलकम टू सवाना खेत। तो ये जो है दोस्तों ये सेंटर पॉइंट है सवाना खेत का, और यहाँ से है फ्रेंडशिप ब्रिज भी है यहाँ पे, तो हमको जाना है सवाना खेत बस स्टेशन के उधर, क्योंकि उधर ही मुझे अभी हॉस्टल या कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि कल हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना है सवाना खेत से आगे की तरफ, फिर यहाँ से हम बस से सफ़र करेंगे। ये देखिए डायनासोर का बड़ा सा चित्रण यहाँ पे किया गया है, क्योंकि डायनासोर पार्क है यहाँ सवाना खेत में कई। तो सवाना खेत जो बसा है ना दोस्तों, ये मेकोंग नदी के किनारे बसा है, मेकोंग नदी का दर्शन हम इस सवाना खेत में करेंगे। अभी उस ब्रिज से जाएंगे क्या या सवाना खेत ब्रिज से ही, मतलब मेकोंग नदी के कौन से किनारे पे बसा है, अगर मेकोंग नदी के उस पार होगा तो ज़रूर मेकोंग के दर्शन होंगे। कल से हम लाओस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पहली बार सवाना खेत में मैंने गाड़ियों के शोरूम देखे अभी, और सिग्नल पहली बार लगा मुझे, कल से ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन एक भी सिग्नल मुझे कहीं नहीं लगा था, लेकिन आज पहली बार सवाना खेत में डायरेक्ट आके सिग्नल लगा। लाओस के पहला बड़ा शहर हम जो विजिट कर रहे हैं अभी वो है सवाना खेत। फाइनली ये है अपना आज का निवारा, साइकिल लगा दी यहाँ पे, और ये सारे कमरे, ये गेस्ट हाउस है बड़ा, फोनक्साई गेस्ट हाउस ऐसा नाम है, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। सवाना खेत में बस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक मुझे ये कमरा मिला है, और मतलब 1 किलोमीटर है खाली बस स्टेशन से, क्योंकि कल हमें जाना है सुबह सुबह वियनटाइन को, तो मैं ऐसा गेस्ट हाउस को ही देख रहा था कि जहाँ मेरी साइकिल बैग्स रख के मैं वियनटाइन आराम से जा सकूं। जैसे हमने डोंगहा में अपनी बैग साइकिल रख के हम दानांग गए थे, दानांग से बानाइस, मतलब 2-3 दिन में रुका, बाद में आया तो भी मेरा सब सामान साइकिल सेफ था, उसी हिसाब से मैंने ये गेस्ट हाउस लिया है। ये जो मुझे पड़ा है ये 70,000 कीप का, 70,000 कीप तो आप समझ के चलिए 7×28, मतलब 300 रुपये का एक नाइट, उसमें एक एसी नहीं खाली फैन उन्होंने दिया है मुझे। तो इस प्रकार लाओस के दूसरे दिन के सफ़र में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप सवाना खेत किस प्रकार आ सकते हैं। यार ये नाम बहुत डेंजर है, मैं भूल जाता हूँ, ये वियतनाम के लाओस के शहरों के नाम बहुत ही अजीब वगैरह भी, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है,
तो छह देशों की यात्रा में लाओस के दूसरे दिन का एंड हम कर रहे हैं सवाना खेत में। कल हमारी जर्नी बढ़ेगी वियतनाम को। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। मन में अगर कुछ शंका उत्पन्न होती होगी तो कमेंट करके ज़रूर प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पूरा अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए। अगर लाइक किया तो YouTube को लगता है ये वीडियो और लोगों को दिखा सकते हम, तो इसलिए अवश्य लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।